मेरी माँ का रेप हुआ था 18 साल पहले। रीमा चौहान रेप केस से जुड़ी सारी फाइल्स, उस वक्त का न्यूज़पेपर सब खंगाल, पहला सुराग वहीं से मिलेगा। रीमा का जहाँ रेप हुआ था उस जगह 11 जून को चोरी की 3 वारदातें हुई। चोरियां हुई 11 जून को और रेप हुआ 13 जून को, हो सकता है दोनों क्राइम एक ही आदमी ने किए। लेकिन सर जहाँ चोरी हुई वहाँ रेप की कोई वारदात नहीं हुई, और जहाँ रेप हुआ वहाँ चोरी नहीं हुई। हमें दोनों स्टेटमेंट वेरीफाई करना है। रेप होने के बाद विक्टिम को अक्सर छोटे मोटे घाव लगते हैं, लेकिन रीमा के केस में उसकी बॉडी पर एक छोटी सी खरोच तक नहीं थी। आप लोगों को केवल पुलिस की आंख और कान बनना है। कोई भी अजनबी जो कल यहाँ दिखा हो उसका स्केच बनवाओ। वो कमीना बचना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूजा दही और रीमा चौहान का केस आपस में कनेक्टेड है। ये जो कोई भी है पुलिस प्रोसीजर को बहुत अच्छे से जानता है। मतलब ये पुलिस वाला भी हो सकता है, या फिर कोई ऐसा जिसका अपना पुलिस में हो, या फिर रहा हो।